एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हाथरस हादसे पर भारत की सबसे बड़ी पड़ताल। बाबा की सिक्योरिटी संभाल रही थी पूरी व्यवस्था, जो पर्सनल सिक्योरिटी वो पूरी व्यवस्था संभाल रही थी, और उन पर ये व्यवस्था संभली नहीं है। पुलिस बाहर की सुरक्षा संभाल रही थी, पंडाल में भीड़ संभालने के लिए वॉलंटियर्स भी थे, LIU के पास भी इतनी भीड़ पहुंचने का इनपुट नहीं था, इसलिए पुलिस भी बाहर सुरक्षा संभाल रही थी। सुरक्षा में लगे सिपाहियों की संख्या भी बेहद कम थी। पुलिस प्रशासन ने पहले पंडाल का जायजा नहीं लिया, परमिशन लेने की प्रक्रिया में भी लापरवाही बरती गई, मतलब हर तरफ से लापरवाही बरती गई, हर तरफ से लापरवाही बरती गई। और उस लापरवाही का अंजाम क्या हुआ? लापरवाही का अंजाम यह हुआ कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हाथरस हादसे पर भारत की सबसे बड़ी पड़ताल। बाबा की सिक्योरिटी संभाल रही थी पूरी व्यवस्था, जो पर्सनल सिक्योरिटी वो पूरी व्यवस्था संभाल रही थी, और उन पर ये व्यवस्था संभली नहीं है। पुलिस बाहर की सुरक्षा संभाल रही थी, पंडाल में भीड़ संभालने के लिए वॉलंटियर्स भी थे, LIU के पास भी इतनी भीड़ पहुंचने का इनपुट नहीं था, इसलिए पुलिस भी बाहर सुरक्षा संभाल रही थी। सुरक्षा में लगे सिपाहियों की संख्या भी बेहद कम थी। पुलिस प्रशासन ने पहले पंडाल का जायजा नहीं लिया, परमिशन लेने की प्रक्रिया में भी लापरवाही बरती गई, मतलब हर तरफ से लापरवाही बरती गई, हर तरफ से लापरवाही बरती गई। और उस लापरवाही का अंजाम क्या हुआ? लापरवाही का अंजाम यह हुआ कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई।